नमस्कार। कल हमने देखा था कि किस प्रकार यदि हमारे पास एक यादृच्छिक चर x है जिसका बंटन फलन fxx है, तब यदि हमारे पास एक अन्य यादृच्छिक चर y है जो कि x का एक फलन है, तब हमने यह देखा था कि किस प्रकार y का बंटन फलन एवं प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। हमने यह देखा था कि किस प्रकार हम y का बंटन फलन एवं प्रायिक घनत्व फलन ज्ञात कर सकते हैं। आज हम इसका उल्टा देखेंगे, अर्थात आज हम देखेंगे कि किस प्रकार यदि हमें एक यादृच्छिक चर x दिया गया है जिसका बंटन फलन fxx है एवं यदि हम इसका प्रयोग करके एक अन्य यादृच्छिक चर y का जनन चाहते हैं जिसका बंटन फलन है, तब वह कौन सा फलन y बराबर gx है जो कि वह कौन सा फलन जी एक्स है जो कि हमें x से y की ओर ले जाएगा। हमारा प्रश्न यह है, इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप हमें यह ज्ञात करना है कि वह कौन सा फलन जी एक्स है जिसका प्रयोग करके हम एक यादृच्छिक चर जिसका बंटन फलन हमें ज्ञात है से एक दूसरे यादृच्छिक चर की ओर जा सकते हैं। मुझे आशा है कि यह समस्या आप लोगों को ठीक से समझ आ गई है। अब इस समस्या का समाधान, हमारे पास एक समस्या है तो उसका समाधान तो हम ही बताएंगे। इस समस्या का समाधान दो चरणों में है। एक यादृच्छिक चर x को एक समरूप चर u में करें परिवर्तित करें, दो समरूप बंटित यादृच्छिक चर u को
वाई में परिवर्तित करें जिसका बंटन फलन हमारा हमारा अभिप्सित समरूप बंटन अध्यक्षर यू को वाई में परिवर्तित करें जिसका बंटन फलन हमारा अभिप्सित बंटन फलन एफ वाई वाई है। अब यह करने के लिए मान लीजिए एक्स एक यादृच्छिक चर है जिसका बंटन फलन एफ एक्स एक्स है। हम पहले चरण के लिए जी एक एक्स ज्ञात करना चाहते हैं जिससे u बराबर जी एक एक्स एक समरूप बंटित चर हो। u बराबर जी एक एक्स एक समरूप बंटित यादृच्छिक चर हो। अब हम बराबर जी एक एक्स बराबर x का बंटन फलन u बराबर जी एक एक्स बराबर x का बंटन फलन। अब हम यह देख सकते हैं कि एक क्योंकि अर्थात u शून्य से एक के बीच में होगा जो कि समरूप बंटित एक यादृच्छिक चरों के समान है। दूसरा क्योंकि एकदिष्ट फलन है क्योंकि एफ एक्स 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 का एकदिष्ट फलन है अर्थात केवल केवल u से कम अथवा बराबर u से अधिक नहीं केवल और केवल x x से अधिक नहीं पर ही होगा। अंततः f u u बराबर है प्रायिकता बराबर है प्रायिकता बराबर है u अर्थात f u u बराबर है u एवं बराबर है एक शून्य पर यह बताना आवश्यक है। हमने एक यादृच्छिक चर x को एक समरूप बंटित यादृच्छिक चर u में परिवर्तित कर लिया। हमने पहला चरण पूर्ण कर लिया है। अब हम यह देख सकते हैं कि यदि एफ एक्स एक्स एक एक फलन है अर्थात यू के द्वारा धारण किए गए प्रत्येक मान के लिए x केवल एक ही मान
रू के द्वारा धारण किए गए प्रत्येक मान के लिए x केवल एक ही मान धारण करेगा। अर्थात हम यह लिख सकते हैं यदि u बराबर है जी एक एक्स तब x बराबर है जी एक। यह अर्थात एक समरूप बंटित यादृच्छिक चर से वापस x पर जाने के लिए x बराबर है यह। हम x पर वापस जा सकते हैं अथवा x को दोबारा u से उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम करें जहां जी टू बराबर है यह जहां जी दो यह फलन है तब यादृच्छिक चर y बराबर u का अर्थात किसी यादृच्छिक चर x जिसका बंटन फलन fxx है से एक यादृच्छिक चर y जिसका बंटन फलन करने हेतु हमें y बराबर है f y इनवर्स यह। जैसा हमने देखा यह दो चरणों में काम करता है। अंततः हम एक यादृच्छिक चर x से y की ओर जाने के लिए इसे कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं। यादृच्छिक चर x यह एक समरूप बंटित यादृच्छिक चर u यह y जिसका बंटन फलन है इस प्रकार हम एक यादृच्छिक चर जिसका बंटन फलन हमें ज्ञात है से अपने अभीप्सित बंटन फलन वाले यादृच्छिक चर को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।